तो डाल दिया मैं नहीं डालूंगा नहीं क्वेश्चन पूछेंगे आप कैमरा से पूछो सोनाली, सबसे पहले तो क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको भी। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या कॉस्ट्यूम यूज करने वाले, कौन से गाने यूज करने वाले हैं? सो दो टाइप की परफॉर्मेंसेज हैं मेनली, इंडियन एक्ट और वेस्टर्न। और जो मैं इंडियन बोलती हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली इंडियन, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा जो हमारा बॉलीवुड का होता है वैसा। इनफैक्ट वेस्टर्न मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने गाने से, पारो से। और मैं उसमें फेमस सॉन्ग्स हैं, दस चिटिया कलाइया, दस मनाली ट्रांस, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और उसको मैं एंड कर रही हूँ हमारी फिल्म के लड़कों के गाने से, शराबी, जिसमें मुझे फिल्म में उस पर डांस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ये मौका मेरे हाथ में आया सर, एटलीस्ट मैं स्टेज पे तो करूँगी, यू नो, बिकॉज पंचनामा में, प्यार का पंचनामा में सिर्फ लड़कों ने किया था उसमें। सो येस, आई एम एंडिंग दैट विद शराबी। एंड देन देर इज़ द इंडियन बॉलीवुड वाला, जिसमें हमारे फेमस आइटम सॉन्ग्स हैं और बहुत सारे गाने। कहाँ पर परफॉर्म करने वाली और क्या कुछ प्रिपरेशन चल रहा है आपकी तरफ से? सो मेरी सिटी है अहमदाबाद। अभी इनफैक्ट मेरी अहमदाबाद में अभी रीसेंट टाइम्स में थर्ड विजिट होगी। प्रमोशंस के टाइम पे हम दो बार गए थे एंड आई रियली लाइक दैट सिटी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अहमदाबाद में मुझे परफॉर्म करने मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने स्पेशली अपने इंडियन एक्ट में एक नॉट एग्जैक्टली गुजराती, हाँ बट गुजराती, सलमान खान का गाना तू नथी भी इंक्लूड करवाया है, एंड दैट स्पेशली फॉर अहमदाबाद। सो या सोनाली, पहली बार होगा जब आप ये न्यू ईयर की पार्टी में परफॉर्मेंस करने वाले? यस, ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम है। इनफैक्ट सेकेंड ईयर इन अ रो है कि मैं न्यूयॉर्क पे काम कर रही हूँ। और लास्ट ईयर 31st को हम प्यार का पंचनामा के लिए शूट कर रहे थे एंड फर्स्ट को भी हमने शूटिंग की थी। सो वो काम करते हुए गया था एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और ये सेकेंड ईयर की जब मैं काम कर रही हूँ, बट मेरा पहला साल है कि मैं किसी 31st को कहीं पर परफॉर्म कर रही हूँ। सो कैसा रहा ये साल आपके लिए? बहुत अच्छा, लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। एंड आई रियली 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 होप एंड प्रे टू गॉड दैट आने वाले साल भी यू नो इससे बेहतर बेहतर ही होते रहें। आई एम वेरी लकी कि यू नो हमारी फिल्म पार्ट वन से भी बेटर हुई एंड इट्स अ गुड हिट। सो या क्योंकि आपकी फिल्म को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, क्या आप जो जो आप किरदार था आपका फिल्म में, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं?
इस क्वेश्चन से मैं परेशान हो गई हूँ, बट नहीं, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ. बट ये ज़रूर बोलूँगी कि जब मैंने पार्ट वन की थी और उसमें जब ऐसा सा कैरेक्टर मिला था, एंड उसके बाद पार्ट टू, और मैंने अपने मतलब डायरेक्टर से क्वेश्चन कर करके कि ऐसी कौन सी लड़कियाँ होती हैं, कहाँ होती हैं, बट उन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं रियल लाइफ में ऐसी तो नहीं हूँ, लेकिन एक दो ट्रिक्स मैंने अपने कैरेक्टर से ज़रूर सीख लिए हैं, यू नो, पंचनामा करने के, तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया. बट नो, इन रियल लाइफ आई एम नॉट लाइक दैट. अगर सुनाली आप ऐसी नहीं हैं, तो आपके कभी प्यार का पंचनामा हुआ है? नहीं. ठीक, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ ना, तो ना मेरे साथ हुआ है, ना मैं करती हूँ, और ना मेरे साथ होता है. आई थिंक प्यार का पंचनामा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने कभी ना कभी किसी के साथ किया होगा. लाइक मेरा मानना है, और मैं अक्सर ये चौका सनी के साथ, जो मेरे को एक्टर है, मजाक भी करती थी, आई सेड पक्का तूने और किसी लड़कियों का पंचनामा किया होगा, इसीलिए सुप्रिया तेरा फिल्म में पंचनामा कर रही है. सो अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती हैं? हाँ, बनाने में भी, तोड़ने में भी. तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन नए साल के लिए आपने बनाया होगा? इस बार मेरा रेजोल्यूशन है कि कोई रेजोल्यूशन ना तोड़ूं. बट इस बार का मेरा एक्चुअली एक रेजोल्यूशन है. सो मैंने बहुत टाइम में कोई हॉलीडे नहीं लिया है, एंड ओवा कंट्री क्लब की कॉन्फ्रेंस में स्पीकिंग अबाउट हॉलीडे, विच इज़ ग्रेट. सो या, मेरा डेफिनेटली रेजोल्यूशन ये है कि मैं एटलीस्ट दो हॉलीडेज लूँ, एक अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, और एक जिसमें मैं अपने डॉग्स के साथ भी, यू नो, मेरे दो डॉग्स है बाउंटी कैंडी, उनके साथ भी कोई आस पास जाके कोई हॉलीडे. सो डेफिनेटली दो हॉलीडेज मैं लेना चाहती हूँ. नए साल में ऐसे कोई विश है जो पूरी करना चाहती हो? विश, एनी ड्रीम्स? Lots of them, yeah. I have lots of them, but mainly it's to do good work. There are a lot of people I want to work with. So basically, yeah, अच्छा काम करते रहना है, बस रुकावट ना. सुनाली, आने वाले साल में कोई फिल्मों में आप काम दिखने वाली हैं? Upcoming projects? Again, I hope so. अभी so basically जहाँ पे भी बात चल रही है, and I know it sounds very cliche, but मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में अभी तक, लेकिन कुछ भी final नहीं हुआ है, so hopefully yes. हाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आई थिंक एक डायरेक्ट नंबर्स की भी बात होती है, बिकॉज पार्ट टू ने ऑब्वियसली ज़्यादा बिजनेस किया है, ज़्यादा नंबर्स किया है, सो दैट मेनी पीपल, यू नो, आपको पसंद करते हैं. इस चीज़ का एक स्ट्रेट एग्जाम्पल था, यू नो, पंचनामा वन के बाद. एक्चुअली दिल्ली नॉर्दर्न बेल्ट हमारे लिए बहुत बड़ी है, वहाँ पे फिल्म बहुत ज़्यादा चली है. इनफैक्ट 9 हफ्तों तक चली थी, लास्ट वीक तक चल रही थी. सो जब मैं पंचनामा वन के बाद दिल्ली गई थी, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था, पीपल कम. पंचनामा टू के बाद जब मैं गई थी, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैं दिल्ली में थी, मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं शॉपिंग के लिए गई, बिकॉज मुझे दिल्ली में शॉपिंग करना पसंद है, और मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज मॉब्ड. सो वो फैंस का प्यार दिखता है, एंड मुझे मॉल छोड़ के भाग के आना पड़ा, बट डेफिनेटली लोकप्रियता बहुत बहुत ज़्यादा है इस बार. यस, आई विश फ्रॉम माई हार्ट अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स. हैव अ ग्रेट, फैंटास्टिक, एंड अ वेरी वेरी ब्लेस्ड 2016. Thank you. Sonali, man ID, you're watching Cinecari. Hi, this is Sonali Sehgal, and I'm going to go live on the Country Club Facebook page right now. Come ask me any questions that you want. Use the hashtag AskSonali. See you guys there. Bye. Finish.
हाँ हाँ ले लो, हाँ बट जस्ट टेक इट इन, हाँ जस्ट टेक इट, टेक इट फ्रॉम हियर. It was great chatting with you guys and see you on 30th for the meet and greet and 31st for the New Year. Haan. The thing is called anything? Matlab wo 31st New Year. 31st New Year at Ahmedabad. So that was a lot of fun guys. I really had fun. Thank you so much for all the love and support. So I'm going to see you guys on the 30th for meet and greet and on 31st New Year. Come let's party together in Ahmedabad. Bye. ना एकदम सामने ये या वन आवर शूटिंग ना जस्ट ओल्ड हां वन आवर शूटिंग कर लिया या इट डन मैम यू मैम यू नहीं जाना नहीं अभी डन से ठीक चल सुनो देख हां डन सबका हो गया क्या भाई हां सुनील का बाकी है भाई का बाकी या डन वन लास्ट विद सिटिंग ना प्लीज या ओके सर डल आएगा देखते हैं जरा मैं लाता हूं हां लाइट नहीं आ रही इसलिए रुको का इफेक्ट पड़े ये सिंगल वाला चेयर ले सुनो सिंगल वाला ले सिंगल वाला सिंगल वाला ले सिंगल वाला ले सुनो बैक साइड में खाली ही रोड है चलो गोविंद गोविंद पूछा मैडम समोर बघा मैडम मैम शेक मैडम सामने देखो मैम हियर मैडम हियर मैम योर लेफ्ट साइड हियर मैम हियर तुम खाली बस करो मैम यो एकदम सामने है एकदम सामने हां इधर इस तरफ मैम यो मैम मैम जस्ट मैम यो मैम यहां पे अभी थोड़ा राइट साइड राइट साइड में एक्सक्यूज मी थोड़ा सा लेट में थैंक यू मैम मैम ऑन मैम यो मैम समोर मैम यो सामने है सामने मैम यो मैम बाद में मैम यो मैम यहां पे वो कल बोला था मैम यो कल बोला था एक सेकंड हो गया तो बोल रहे मैम रुक 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 काल थोड़ा पार्टी का बस मैम इस तरफ मैम स्ट्रेट जस्ट होल्ड 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 मैम यो वन मोर मैम वन मोर मैम वही पोज है हाथ पर या सही है एक सेकंड मैम थैंक यू मैम थोड़ा सा आगे था बस बस इजी यस रेडी है मैम सुन होल्ड 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 वो एक सेकंड थैंक यू एक of Country Club and I was also a part of their Navratri thing. So it's been an association from the past 6 months and it's been great and awesome. And everyone knows that I love dancing. So this was like one opportunity and then it's New Year's and then it's Country Club. So might as well. So I'll be performing for the New Year's Bash of Country Club. They're at Bangalore. And I'll be dancing on songs from my film and the few songs which are really close to my heart. Any preparation you have done for your song? Any dancing preparation? Any costumes? dancing preparation toh abhi chal rahi hai. So we are trying to experiment with a lot of things, trying to add hip hop, belly dancing, a lot of things. And kyunki ek hi chance hai, ek hi event hai, and people should really feel good about it. They should feel happy and they should
welcome New Year in a very grand manner. So I'm trying to achieve that, and I hope people they like my performance. Any upcoming project you want to share, because it's a long time after Zid? Yes, definitely. It's been almost close to an year after Zid. I'm working on a Hindi project, which soon will be announced. We are working on the scripting things and all. And apart from that, in the meanwhile, I'm working on two films there across South. One is with the hero Sunil Verma, another one is with Sai Dharam Teja. So both are like an amazing projects, and again, a very performance oriented ones. And I hope people like it. People have always supported me, have given a lot of love, and I hope people keep loving me. Manara, aapko kyun laga ki mujhe is baar performance karna chahiye? मैं परफॉर्मेंस क्यों लगा कि इस बार करना चाहिए, मैं परफॉर्मेंस अभी नहीं, मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ. आई एम अ ट्रेंड डांसर और बहुत सारे शोज़ करती थी, पर तब मैं अपने टीचर के लिए के साथ करती थी, स्टूडेंट्स के साथ करती थी, एंड तब शौक में करती थी. एंड नाउ आई एम एन एक्ट्रेस, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. पहले हम कुछ भी करते थे, अपने मर्जी से सीक्वेंसेस बनाते थे, बट अब बिकॉज यू आर एन एक्टर सो यू हैव दैट थिंग added to your profile, so it's just a little different, but I always love dancing and I think I'll continue to do that. New year aane wala hai, koi aisi koi memory bachpan ki jo aap hamare sath share karna chahenge? Kaise celebrate karna pasand karti thi aap bachpan mein? Pata nahi, mujhe bachpan mein new year pe kuch ek cheez lagti thi ki new year hai to cake zarur katna hai. तो कुछ भी हो तो आई ऑलवेज यूज टू टेल माई डैड कि केक लेके आओ, जब तक केक नहीं कटेगा तो न्यू ईयर नहीं होता था मेरे लिए. सो दैट इज़ वन मेमोरी आई रिमेंबर. बट ऑब्वियसली माइन इज़ अ सिंगिंग फैमिली, तो बॉन फायर होता है, बहुत सारे गाने बजाने होते हैं, एंड दैट्स हाउ वी वेलकम आवर न्यू ईयर. सांता से कोई विश मांगने की कोशिश की है इस साल आपने? कोई ऐसी कोई विश जो आप फुलफिल ना हो? सांता से जनरली जब क्रिसमस होता है, इट्स अ नॉर्म विच आई हैव. आई वेयर एवर आई गो आई टेक पिक्चर्स ऑफ ऑल द क्रिसमस ट्री, ऑल द सांता क्लॉसेस, जो भी होता है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ दैट. सो ऐसा कुछ विश नहीं है, बिकॉज सांता ऑल्सो कम्स विद अ क्लॉज, सो यू बेटर नॉट आस्क फॉर अ विश फ्रॉम सांता. जो सांता को देना वो तो वैसे भी दे ही देंगे. 2015 का सफर आपके लिए कैसा रहा? आई थिंक 2015 का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा. बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली. इट वॉज लाइक अ वेलकम टू द इंडस्ट्री, एंड यू लर्न सो मैनी थिंग्स. एंड आई हैड बीन वर्किंग देयर इन 2015, तो पता नहीं चला 2015 कैसे गया, पर इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी. मैंने बाजीराव मस्तानी देखी. आई वेंट फॉर द ट्रायल ऑफ बाजीराव मस्तानी, एंड नॉट बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर सो आई हैव टू अप्रिशिएट हर, बट आई रियली लव्ड हर परफॉर्मेंस. आई मीन कुछ ज़्यादा बोल के भी आप बहुत कुछ बोल देते हैं, कुछ इस तरह का उनका किरदार लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जय गंगा जल, बिकॉज जय गंगा जल की शूटिंग पर मैं भी गई थी भोपाल, एंड मैंने वो सेट देखा है, मैंने उनको शूट करते हुए देखा है कुछ एक डेढ़ हफ्ता. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो कैसे सीन्स आए हैं जो मैंने वहाँ पे लाइव होते हुए देखे थे. माना जहाँ तक आपकी फिल्म की बात करें जिद की, जी जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई जी, तो आपने इसकी कहानी अपने अपनी बहन से शेयर की, अपने घर वालों से शेयर की कि कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स भी हैं जी, तो उनके रिएक्शंस क्या थे? जब मैंने जिद की स्क्रिप्ट मैंने ऐसे शेयर नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऑडिशन दिया था उसके लिए, और ये हम बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ कि कुछ 800-900 लड़कियों में से सिलेक्ट हुई थी, और इसलिए हुई थी बिकॉज़ एक किरदार बहुत अलग सा था, और पहली फिल्म में बहुत लोगों ने बोला ऐसा किरदार करना आसान नहीं होता, बट आई डिड इट एंड माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. आगे भी आप ऐसे रोल्स करेंगी बोल्ड? Actually, I would love to do a bold kind of cinema. I won't mind doing that. But as of now, I am looking for a performance-driven script. And for me, Zid was a very performance-driven script. And
going forward also, the South films which I'm doing, it's a very different kind of role. In one, I'm playing a very bubbly and cute kind of a girl. Another one where I'm playing a very serious kind of a girl. So yeah, I would love to do variations in my life. मतलब कोई भी एक रोल जो आप छीनना चाहें अपनी बहन प्रियंका से कि ये तो मुझे मुझे करना चाहिए था मैं अच्छा कर पाती. Oh my god. I think मैं अपनी बहन से कभी कोई रोल छीन नहीं सकती. मैं उनके रोल से बहुत कुछ सीख सकती हूँ और वो मैं अपनी आगे आने वाली फिल्मों में अडाप्ट कर सकती हूँ. बट आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी से उनसे वो रोल छीने. कोई भी उनकी एक फिल्म जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करती है कि ऐसा कुछ मैं भी कर पाती. आई थिंक आई रियली लाइक कपल ऑफ अ फिल्म. वन इज बर्फी फॉर श्योर एंड आई थिंक एवरी वन विल एग्री टू इट. एंड सेकेंड वन इज ऐतराज. दैट वॉज वेरी डिफरेंट. सो also there are so many films. वो तो हर फिल्म उनकी एक milestone होती है. तो बहुत सारी हैं जी. मतलब जब हम किसी भी नॉन फेस के से कनेक्ट होते हैं जी, जैसे आप उनकी बहन हैं, तो उम्मीद बढ़ जाती है उस हिसाब से. तो कितना प्रेशर रहता है कि मैं अच्छा करूँ अच्छा करूँ, और उस हिसाब में आप क्या सोचती हैं? Definitely जो आप बोल रहे हैं उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं. बट ऐसा नहीं होता कि बिकॉज उम्मीदें बढ़ जाती हैं इसलिए आप ज़्यादा काम करते हैं. ये तो आपके अंदर की ज़ील होनी चाहिए. अगर आप आपके अंदर वो ज़ील ही नहीं है तो आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम हेल्प नहीं कर सकता. यू मस्ट हैव दैट ड्राइव एंड ज़ील टू गेट अप इन द मॉर्निंग, फॉलो दैट रूटीन एंड कीप वर्किंग. Hi friends, wishing all of you a very happy 2016. I hope and I wish all your wishes they come true. Keep working hard, enjoy your life and rock. Thank you. Manara means something that shines. It's a Greek word and I think it's a beautiful meaning, something that shines. So I like that. Kyunki ye naam thoda samajhne mein mushkil hai to parents ko lagane ke naam ladki ka seedha chamkeeli rakh diya. Oh my god, nahi nahi unhe aisa nahi laga. I love my name and people really appreciate it. So it's a nice name. Thank you. Okay done guys. No controversy. Okay. Okay. थैंक यू. एक सेकंड रहे तेरा हुआ मतलब. थैंक यू. करिश्मा, सबसे पहले तो जब न्यू ईयर की बात होती है तो क्या जहन में आता है आपके, किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करती है आपने? न्यू ईयर की बात आती है तो मुझे काम करना बहुत पसंद आता है. तो जनरली मुझे याद नहीं कि कब मैंने अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया है. मैं हमेशा काम ही करती हूँ और मुझे न्यू ईयर्स पे काम करना, मेरा जो नया साल है उस पर काम करके आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं ये टाइम भी पुणे में कंट्री क्लब में परफॉर्म करने वाली हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड. किस सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाली हो आप? मिक्स है, दो एंट्रीज़ है और यू नो मेडली ऑफ बहुत सारे गाने हैं. तो ऐसे मैं एक गाना नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, पर आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा. आई थिंक ये सरप्राइज़ है. अच्छा, क्या प्रिपरेशन चल रहा है वो तो बता दीजिए. कौन से कॉस्ट्यूम्स होंगे और क्या प्रिपरेशन चल रहा है? इंडियन भी कॉस्ट्यूम है और वेस्टर्न भी कॉस्ट्यूम है. जैसे मैंने कहा कि दो एंट्रीज़ है, तो एक एंट्री में
फुल इंडियन गाने होंगे, सॉफ्ट सॉन्ग्स होंगे गोइंग इन टू आज के धमाकेदार गाने, एंड देन वेस्टर्न सॉन्ग्स जहाँ मैं वेस्टर्न एंट्री करूँगी. जैसे आपने कहा कि नए साल की शुरुआत आप काम करने से शुरू करती है, तो कोई रेजोल्यूशन बनाती है नए साल के लिए? मैं हमेशा रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि मेरा कोई रेजोल्यूशन ना हो, क्योंकि रेजोल्यूशन हमेशा हम लोग कायम रख नहीं पाते हैं, तो मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं है. क्या तैयारी कर रही हूँ? फिलहाल तो मैं सिर्फ काम कर रही हूँ अपना, और 31st के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जहाँ मैं पुणे में डांस करने वाली हूँ. करिश्मा, कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके जिसके बारे में बताना? मेरी जो फिल्म, एक्चुअली एक साल से टाइम ही नहीं मिला, ना मुझे टाइम मिला है ना सनी लियोनी को टाइम मिला है, तो हम दोनों ने एक फिल्म की थी साथ में जिसका बस थोड़ा सा शूट बाकी रह गया है, तो वो अगले मतलब कमिंग ईयर में आपको देखने को मिलेगी. एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन रियलिटी शोज़ तो हमेशा आते रहते हैं, तो गुड रियलिटी एंड गुड टेलीविजन वर्क आई विल लव टू डू. मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट शो है पर मैं फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बिजी थी, पर ट्विटर पे जो भी अपडेट होता है वो मैं कैचअप करने की कोशिश करती हूँ कि कौन आउट हुआ है, कौन अच्छा कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, पर ज़्यादा मैंने देखा नहीं है तो आई कांट कॉमेंट. ओके, हाउ वाज योर क्रिसमस? माई क्रिसमस वॉज गुड, आई वॉज इन दुबई, सो मैं आई हूँ अभी 2 दिन पहले, तो क्रिसमस बहुत ही अच्छा था दुबई में. यू नो, मैंने एक हॉलीडे ली और चिल कर रही थी, और मैंने स्नो एज एन ऑफ कोर्स फेक स्नोफॉल एंड क्रिसमस का खाना खाया, एंड मैंने क्रिसमस ट्री देखा, दुबई सेलिब्रेशन हो रहा था दुबई में, तो आई वाज रियली हैप्पी. तो 2015 का सफर आपके लिए कैसा रहा? 2015 और 2014 दोनों जो मेरे साल थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत काम मिला, बहुत लोगों ने सराहा, मेरे जो फैंस हैं, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया, तो 2015 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर मी एंड आई होप 2016 भी उतना ही अच्छा हो मेरे लिए. अच्छा, नए साल में ऐसी कोई विश है जो आप पूरी करना चाहते हो? बहुत सारी विश होती है, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना वो हमेशा वांट 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 होता है, तो हम ऐसी वर्ल्ड में हैं जहाँ हमारी जो चीज़ें हैं, जो नीड्स है वो हमेशा बढ़ती रहती है, तो मेरी भी नीड्स है कि मेरी पूरी हो जाए, काफ़ी कुछ है, आई होप 2016 में वो पूरी हो जाए. यस ऑफ कोर्स, टू ऑल माय फैंस, टू ऑल द सपोर्टर्स, टू ऑल द व्यूअर्स, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर. नए साल की बहुत ही आपको हार्दिक शुभकामनाएं है, प्लीज़ बी पॉजिटिव, अच्छे से रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी. थैंक यू. हट जाओ, हट दो, वे वाला हट जी, नीचे बैठो, एक मिनट, कैसे भाई? अरे अरे हटो बाबा, अरे थोड़ा भाई करो करो, ओ भाई बादल सर, क्या हो गया? हम लुक हियर, हां टेक माय फोन, हां रिंग लगा लिया. हाँ करो करो, कहाँ जा रहे हैं? चलो.